की जा रही है और ऐसे में जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में लगा हुआ है। मंडला आयुक्त गौरव दयाल के साथ साथ आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार, जिला अधिकारी चंद्र विजय सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने राम की पैड़ी का निरीक्षण किया है और इस दौरान जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे हैं। वहीं भगवान राम की नगरी में दीपोत्सव को लेकर ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन भी किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। राम की पैड़ी पर विधिवत भूमि पूजन करके दीपोत्सव का शुभारंभ किया गया। वहीं जिला प्रशासन हर स्थान पर बारीकी के साथ निरीक्षण कर रहा है, क्योंकि भव्य दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश विदेश के गणमान्य राम की पैड़ी पर मौजूद भी होंगे। देखिए, आज हम लोग सभी टीम के साथ में यहाँ पर हैं और जो भी आवश्यक तैयारियाँ वो की जा रही हैं, जो दीपोत्सव के भव्यता है और जो आतिशबाजी का कार्यक्रम है, जो यहाँ पर लेजर शो होगा या यहाँ पर जो एक आरती होगी एक विशद, उस सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। और बाकी जो हर स्थान पर, हर आश्रम पर, हर जगह पर जहाँ जहाँ पर आवश्यक व्यवस्थाएँ वो कर रहे हैं, CCTV कैमरों के माध्यम से और विभिन्न टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन से हम लोग सारी चीज़ों को कवरअप करेंगे और अच्छी तरह से इसको संपन्न करेंगे। यहाँ पे दीपोत्सव का जो आयोजन होना है, इस वेन्यू पे हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। सारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, आईजी साहब हैं, DMSSP हैं, VC नगर आयुक्त और हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं यहाँ। जो हमारा राम की पैड़ी स्थान है जहाँ पे मुख्य रूप से आयोजन होता है, वहाँ पर हम लोग तैयारियों को परखने के लिए आए हुए हैं और 1100 व्यक्तियों को यहाँ पर एकत्रित करके सामूहिक आरती का आयोजन किया जाना है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आरती करते हैं सरयू जी की, तो वो एक नई चीज़ है इस बार और उसको हम लोग बेहतर ढंग से उसको आयोजित करें, इसके लिए तैयारियां हम लोग कर रहे हैं।